फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 पोएट्री का चैप्टर 9, इसका नाम है नाइटेंगल्स, और जिसके राइटर हैं रॉबर्ट ब्रीज, का अध्ययन करेंगे। और यह चैप्टर, इसका नाम नाइटेंगल है, क्लास 11 यूपी बोर्ड का है। इसमें राइटर या पोएट नाइटेंगल से जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि तुम आखिर किस दुनिया से आई हो जो इतना अच्छा गीत गाती हो, किन पर्वत श्रृंखलाओं से होके आई हो, किन नदियों से होके आई हो, मुझे उसका लोकेशन बताओ, मैं भी वहां जाना चाहता हूं, वहां घूमना फिरना चाहता हूं। तो नाइटिंगल्स उसे जो जवाब देती है, वह कवि की अपेक्षाओं के विपरीत होता है। और साथ ही साथ नाइटिंगल्स रीजन भी बताती है, कारण भी बताती है कि आखिर उसका जवाब अपेक्षाओं के विपरीत क्यों था। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स व्हेंस यू केम। ब्यूटीफुल का अर्थ है सुंदर, माउंटेन का अर्थ है पर्वत, फेंस का अर्थ है जहां से, ई का अर्थ है तुम। तो वह पर्वत निश्चित ही बहुत सुंदर होगा जहां से तुम आई हो। यह कवि का कथन है बुलबुल के लिए। एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैली इन द स्ट्रीम्स वेयर फ्रॉम। वैली का अर्थ होता है घाटी, स्ट्रीम्स का अर्थ होता है जल स्रोत या छोटी नदियां, वेयर फ्रॉम का अर्थ है जहां कहीं से तुम आई हो, जिन घाटियों से, जिन जल स्रोतों से या जिन नदियों से होके आई हो, वह चमकीला होगा, फलदायी होगा और काफी आकर्षक होगा। ये बातें कवि की व्यक्तिगत कल्पनाएं हैं जिनको कवि बुलबुल के सामने रख रहा है और कहता है कि जहां कहीं से तुम लोग आई हो, वह पर्वत कितना सुंदर है, बल्कि कितना सुंदर होगा, निश्चित रूप से सुंदर होगा। वे घाटियां जहां पे छोटी छोटी नदियां बहती हैं, वे कितना फलों से भरे होंगे, कितना मनोरम मनोरम होगा वह दृश्य जहां से तुम लोग आई हो। ए लर्न योर सॉन्ग वेयर आर दोज स्टेरी वुड्स। ये जो गीत तुम लोग गाती हो, जो गीत तुमने सीखा है, वेयर आर दोज स्टेरी वुड्स, वह सितारों से भरा हुआ जंगल कहाँ है, वो सितारों से भरा हुआ जंगल कहाँ है जहां से तुम लोगों ने यह मधुर गीत सीखा है। ओ माइट आई वेंडर देयर। काश मैं वहां पर घूम फिर पाता, वहां जा पाता। एमोंग द फ्लावर्स विच इन द हिवेनली ईयर ब्लूम द ईयर लॉन्ग। मैं वहां जा पाता जहां पे स्वर्गीय हवा, बहुत ही अच्छी हवा, बहुत सुगंधित हवा जो स्फूर्तिदायक हो, और जहां पे पूरे वर्ष फूल खिले हों, उस स्थान पे मैं जाना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। अब यहां से नाइटिंगेल्स या बुलबुल जवाब देती है, ने
barren and those mountains and spend the stream. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर्वत तो बंजर हैं, बैरन का अर्थ होता है बंजर, पर्वत तो बंजर हैं, स्पेंड द स्ट्रीम्स, और नदियां सूख गई हैं। आवर सॉन्ग इज द वॉयस ऑफ डिजायर दैट हॉन्ट आवर ड्रीम्स। ये जो हमारा गीत है, ये हमारे जो गीत का स्वर है वो हमारी इच्छाएं हैं, वे इच्छाएं जो पूर्ण न हो सकी थी, अतृप्त रह गई हैं। ये अतृप्त इच्छाएं ही हमारा हमारी गीत हैं, और यही वे इच्छाएं हैं जो हमारे दिमाग में छाई रहती हैं। हॉट्स का अर्थ होता है छाए रहना, और नकारात्मक वे में छाए रहना होता है, हमें भयभीत किए रहती हैं, हमें डराए रखती हैं। आवर ड्रीम्स, हमारे सपनों में भी हमारी वे अतृप्त इच्छाएं जो पूरी ना हो सकी, जो हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई हैं, हमारे सपनों में भी रहती हैं, वही इच्छाएं हमारे गीत के रूप में तुम सुन पाते हो। द एथोर ऑफ द हार्ट दोज हुज पीनिंग विजन डीम फॉरबिडन होप्स प्रोफाउंड। एथोर ऑफ द हार्ट, थोर का अर्थ होता है दुख। ये जो गीत है ये हमारे दिल का, हमारे हृदय का दुख है। हुज पाइनिंग विजन डीम फॉरबिडन होप्स पावरफुल, होप्स प्रोफाउंड। जो देखने में हल्का लगता है और गहराई तक सोचने के लिए मनाही है, हमारा दिल में जो दुख है वह इतना हल्का है कि जो देखने में इतना हल्का जान पड़ता है कि तुम लोग नहीं देख पाते हो, और उसको गहराई में देख पाना तुम्हारे लिए जैसे निषेध ही है, तुम उतना गहराई में नहीं देख पाओगे। नो डेड नो डाइंग कैडेंस नॉर लॉन्ग साई कैन साउंड फॉर ऑल आवर आर्ट। यहाँ पे बुलबुल कहती है कि जब तक हम लोग अपने कला में, अपने गाने में बहुत कुशल हैं, फिर भी नो डाइंग कैडेंस नॉर लॉन्ग साई कैन साउंड। फिर भी अगर हम छोटे में गाए, छोटे में अपनी गीत को गा दें, अपनी बथा कह दें, या फिर बड़े में गाएं, बहुत विस्तार में अपनी बथा कहें, फिर भी इसे सुना जा सकता है पर समझा नहीं जा सकता। एलोन अलाउड इन द रैप्चर ईयर ऑफ मैन वी पावर आवर डार्क नॉक्टर्नल सीक्रेट। अकेले ही तेज स्वर में मानव के, इंसान के कान में हम मधुर संगीत घोलते हैं। वी पावर आवर डार्क नॉक्टर्नल सीक्रेट। नॉक्टर्नल का अर्थ है रात्रि संबंधी, और रात्रि प्रतीक होता है दुखों का। तो जो जो हमारा स्याह रात्रि है, या जो अत्यधिक दुख है, या अत्यधिक दुख की जो गोपनीयता है, जो रहस्य है, उसे हम इंसानों के कान में मधुर और तेज गीतों के साथ अकेले ही उड़ेलते हैं। एंड देन एस नाइट इज विथड्रॉन, और फिर धीरे धीरे रात गुजर जाती है, माने रात के समय हम इंसानों के कान में अपनी व्यथा, अपना अत्यधिक दुख अकेले ही तेज स्वर में गीतों के रूप में, मधुर गीतों के रूप में उड़ेलते हैं, और इस तरह से रात गुजर जाती है।
From the sweet spring meads and bursting bog of me. Sweet springing का अर्थ है मीठा बसंत। तो बसंत को मीठा इसलिए कहते हैं कि बसंत में सब कुछ प्यारा प्यारा लगता है, चारों तरफ हरियाली होती है, नई कोपले होती हैं, फूल पत्तियां होती हैं, इसलिए हमें प्यारा लगता है, इसलिए इसको लिखा गया है स्वीट स्प्रिंगिंग। फ्रॉम दी स्वीट स्प्रिंगिंग मीट्स, यह जो प्यारा बसंत है, हरा भरा खुशनुमा बसंत है, और इसमें जो चारागाह है, मीट्स का अर्थ है चारागाह, या इसमें जो दूर दूर तक घासें फैली हुई हैं, एंड बस्टिंग बाग ऑफ मे, और मई में, मई का यह महीना जो बसंत का है जिसमें चारों तरफ हरियाली है, हरी हरी घासें फैली हुई हैं, टहनियों में फूल लदे पड़े हैं, ड्रीम व्हाइल द इन्यूमरेबल चॉयर ऑफ डे वेलकम द डॉग। और यह सब बिल्कुल स्वप्न जैसा अच्छा लगता है। While the innumerable choir of day, दिन के समय असंख्य गायकों की मंडली, innumerable का innumerable का अर्थ है असंख्य, और choir का अर्थ है गायक मंडली, तो दिन के समय असंख्य गायकों की मंडली जिनमें हम बुलबुल होते हैं, welcome the dawn, सूर्योदय का स्वागत करते हैं। डॉन का अर्थ होता है सूर्योदय।